नमस्कार, स्वागत है आईओप्स हिंदी के एक और धमाकेदार वीडियो में। मैं आपका दोस्त विकास गुप्ता। दोस्तों, आज की वीडियो जबरदस्त होने वाली है क्योंकि अभी तक हम लोगों ने बैंक निफ्टी, निफ्टी, कॉल और पुट के बारे में समझा, लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टॉक ऑप्शंस के बारे में। बहुत सारे मेरे मित्र हैं जो स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं, फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करते हैं, तो आपके लिए ना एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है इस वीडियो के माध्यम से कि स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग करके हम मंथ का 50 के कैसे प्रॉफिट कर सकते हैं स्टॉक ऑप्शंस के द्वारा। ठीक है, बहुत आसान है, लेकिन इसको ना हमें समझना पड़ेगा कि हमारा वे कैसा होना चाहिए, हमें किस टाइप से स्टॉक ऑप्शंस में जाना चाहिए। देखिए, उसके कुछ ना टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। ठीक है, क्या है टर्म्स कंडीशंस वो मैं बताऊंगा, और मैं आपको वादा करता हूं कि आप अगर टर्म कंडीशन को फॉलो कर लेते हैं ना सही से, तो आप मंथ के 50 के आराम से बना सकते हैं, वो भी सिर्फ 3 से 4 ट्रेडिंग में। ठीक है, 3 से 4 ट्रेडिंग में, क्योंकि दोस्तों स्टॉक ऑप्शंस जो होता है ना, ये एक पोजिशनल ट्रेडिंग होती है, और पोजिशनल ट्रेडिंग करने के लिए हमें मार्केट को अच्छे से थोड़ा रीड करना होगा। स्पेसिफिक स्टॉक्स, स्पेसिफिक सेक्टर को हमें जो है फाइंड करना होगा, और उस फाइंड करने का जो तरीका है वो मैं बताऊंगा। ऐसे कौन से सेक्टर, ऐसे कौन से स्टॉक्स में ही हमें ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है। दोस्तों, स्टॉक ऑप्शंस टर्म्स एंड कंडीशंस, देखिए अगर स्टॉक ऑप्शंस में अगर ना बड़ा प्रॉफिट करना है तो हमें टर्म्स एंड कंडीशन को समझना ही पड़ेगा। क्या है टर्म्स कंडीशंस? दोस्तों, स्टॉक ऑप्शंस में हमें टर्म एंड कंडीशंस समझना चाहिए, तो ये जो टर्म्स एंड कंडीशन है ना, इसका सबसे पहला पॉइंट होता है हमारा कैपिटल, क्योंकि सबके मन में होगा कि हमारे पास स्टॉक ऑप्शंस में ना कैपिटल कितना होना चाहिए। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैपिटल जो है मिनिमम 20,000 आपका तो होना ही चाहिए, क्योंकि 20,000 से कम में आप एक स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर नहीं बन सकते। ठीक है, आप मंथ के एंड में भले आपको 5-7 हज़ार में मिल जाए, वो मैं नहीं कहूँगा, मैं मंथ के एंड वाला बात नहीं कर रहा, मैं एज ए एक ऑप्शन ट्रेडर की बात कर रहा हूँ, स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर की। ठीक है, तो आपके पास मिनिमम 20,000 होना चाहिए, जो कि बहुत बड़ा रकम है नहीं। ठीक है, एक ऑप्शन ट्रेडर के पास 20,000 तो होना ही चाहिए। तो 20,000 आपके पास अगर है तो ये सबसे पहला आपका फुलफिल है। ठीक है, दूसरा आपका क्या है कि आपको ना अवेयर रहना है, कैसे? ग्लोबल मार्केट से, ग्लोबल मार्केट से आपको अवेयर रहना है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट का जो कॉज होता है वो सेक्टर वाइज होता है। कभी मेटल सेक्टर में नेगेटिव है तो आईटी सेक्टर में पॉजिटिव है, कभी सीमेंट सेक्टर में पॉजिटिव है तो कभी बैंकिंग सेक्टर में नेगेटिव है। तो इस तरह से आपको ग्लोबल मार्केट में ना बस थोड़ा सा आप अटैच रहो। अब ग्लोबल मार्केट से अटैच कैसे रहोगे, तो आप जो फाइनेंशियल पेपर होता है, पेपर तो आपको लेट देगा, आप वेबसाइट से कनेक्ट रह सकते हो, आप बिजनेसेस चैनल से कनेक्ट रह सकते हो, आप ट्विटर पे जाके बड़े बड़े जो बिजनेसेस हैंडल है ना, जो फाइनेंशियल न्यूज़ को आप लोगों को मतलब जल्दी प्रोवाइड करता है, उसको आप फॉलो करके वहाँ से आप आजकल जो है व्हाट्सएप पर चैनल भी बन गया है, तो ये सब आप जो है ना खुद से थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाओ, ग्लोबल मार्केट के बारे में आप जानो कि ग्लोबल मार्केट का क्या मूड माहौल है। जैसे कि US बॉन्ड यील्ड, इस सब के बारे में ऑलरेडी मैंने बताया है, डॉलर इंडेक्स, क्रूड ऑयल, इन चीज़ों को ना आप हमेशा ट्रैक करो। छोटा प्रॉफिट करना हो या बड़ा प्रॉफिट करना हो, जब तक आप मार्केट के साथ जुड़े नहीं रहोगे ना, आपको पता ही नहीं चलेगा कि मार्केट का मूड माहौल क्या है, मार्केट क्या करना चाहता है, आप रैंडम ही ट्रेड लोगे। तो हमें सबसे इम्पॉर्टेंट ध्यान में रखना है, हमेशा टच में रहना है ग्लोबल मार्केट में, ग्लोबल प्राइसेस पे। ठीक है, तो ग्लोबल मार्केट को हमारे पास फंड हो गया, ग्लोबल मार्केट से अटैचिंग हम हो जाएंगे कि किस सेक्टर का न्यूज़ क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, रिजल्ट क्या है, मार्केट में किसका अभी मांग चल रहा है ज़्यादा। ठीक है, तो हमें ग्लोबल अटैचमेंट हमेशा रखना है। उसके बाद देखिए तीसरा, हमें ना जब भी कोई स्टॉक्स को चुनेंगे ना, स्टॉक्स चुनने का, फाइंड करने का तरीका अलग रखना पड़ेगा। कहो कैसे? देखो, स्टॉक्स रैंडमली किसी भी डेरिवेटिव्स के स्टॉक्स को उठा के हम उसमें ऑप्शंस करने लगेंगे तो हमें लॉस ही होगा, प्रॉफिट नहीं होगा। तो हमें बचना है, हमें स्टॉक फाइंड करना है बहुत ही इम्पॉर्टेंट तरीके से। देखो, सबसे पहले आपको ना ध्यान में रखना है कि कैसे स्टॉक्स में आप ट्रेडिंग नहीं करोगे। देखो, PSU, खास करके जो सरकारी कंपनी है जिसमें कि आपको BPCL, IOCL, आपका भेल, आपका सेल, इस तरह के जो PSU है ना, इसमें ट्रेडिंग आप स्टॉक ऑप्शंस ट्रेडिंग नहीं करोगे। क्यों? इसमें फ्यूचर की ट्रेडिंग कर सकते हो, लेकिन ऑप्शंस ट्रेडिंग मत करना, क्योंकि क्या ना,
इसमें वॉलीटिलिटी ज़्यादा नहीं होती, लिक्विडिटी ज़्यादा नहीं होती है, और इसका जो मूवमेंट होता है ना वो बहुत कम। और हमारे बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो इस तरह के PUSU में क्या करते हैं, OTM बाय कर लेते हैं। आप स्टॉक ऑप्शंस में अगर ट्रेड करोगे तो OTM तो कभी बिल्कुल बाय मत करना, क्योंकि स्टॉक है, इंडेक्स नहीं। स्टॉक पर्टिकुलर अपने दम पे बढ़ेगा, इंडेक्स जो है ना वो 50 के दम पे 30 के दम पे बढ़ता है। आप स्टॉक्स पर्टिकुलर अपने दम पे बढ़ेगा, तो हमें कभी भी दूर का OTM तो बाय नहीं करना चाहिए, हमेशा नियर प्राइस करें, एट द मनी करें, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना कि हमें इस तरह के PUSU में या फिर ऐसे स्टॉक्स जहाँ पे आपको लिक्विडिटी की कमी हो, जहाँ पे आपको वॉल्यूम कम हो गई, वॉलेटिलिटी कम होगी, तो मार्केट में मूवमेंट नहीं होगा, और हमें ऑप्शंस में मूवमेंट चाहिए ना, तो हमें वहाँ पे ट्रेडिंग नहीं करनी है। अब भाई कहोगे कि चलो ठीक है नहीं करनी है, तो करेंगे कहाँ, तो मैं आपको बताता हूँ। देखो हमारे पास ना मिड कैप है, मिड कैप निफ्टी, ठीक है। मिड कैप निफ्टी के इंडेक्स में ना आप जाओ और वहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट 10 से 15 शेयर्स, ठीक है, इसका एक बकेट बनाओ। और ये जो 10 से 15 शेयर्स हैं ये अलग अलग होना चाहिए, जैसे कि बैंकिंग का ले लो, बैंक्स में आपको ले लो एक्सिस बैंक, SBI मत लेना, एक्सिस लेना, ICICI, HDFC, ठीक है। यहाँ पे आप अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे मान लो कि FMCG में ले लो, FMCG में तो आप यहाँ पे HUL ले सकते हो, यहाँ पे आप जो है नेस्ले ले सकते हो, ITC में मत करना, ठीक है। HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले, इन सब में आराम से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद जैसे देखो रिलायंस में आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप अडानी के किसी शेयर में कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। आप जो है L&T के किसी भी शेयर में कर सकते हो, L&T के चाहे टेक्नोलॉजी में हो, कंस्ट्रक्शन में हो, फाइनेंशियल में हो, कहीं भी कर सकते हो। उसके बाद आपको एक चीज़ और ध्यान देना है कि जो स्टॉक्स ज़्यादातर FNO बैंड में रहता है ना, बैंड में, इसमें आपको नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि ना ये बैंड में जब चला जाता है अधिकतर, तो यहाँ पे ना मोमेंट कम हो जाता है, वॉल्यूम्स कम हो जाती है, तो आपका प्राइस जो है ना वो क्या होता है, अनसिक्योर हो जाता है। तो हमें FNO बैंड में ज़्यादातर जो जाता है ना शेयर, उसमें नहीं करना। जैसे कि मैं बता देता हूँ, IB है ना, इंडिया बुल हाउसिंग, आप मन्नापुरम फाइनेंस ले लो, आप जो है हिंदुस्तान कॉपर ले लो, ये सब क्या है, ये सब अधिकतर जो है ना आपको बैंड में ही मिलेगा। और इसके चलते ही मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ बता दूँ, हालांकि है पुराना न्यूज़, इंडिया बुल हाउसिंग जो है ना इसको FNO से बाहर कर देगा, FNO से बाहर करने का प्लान चल रहा है, ये जनवरी सीरीज से बाहर हो जाएगा, क्योंकि ये हमेशा बैन में रहता है, 30 दिन में ना 25 दिन बैन में ही रहता है, 5 दिन में ही ये बैन मतलब रहता है इसे। तो मेरा आपसे क्या कहना है, ध्यान से समझिए, स्टॉक ऑप्शंस में आप ट्रेडिंग करोगे, आपके पास 20,000 है, PUSU में बैंकिंग PUSU शेयर में बिल्कुल नहीं करना है, ऐसे जो जिसमें लिक्विडिटी नहीं है उसमें नहीं करना है, और ऐसे शेयर इसमें हाई लिक्विडिटी है उसमें भी नहीं करना। अब हाई लिक्विडिटी वाला का मतलब है FNO बैन वाला शेयर जो ज़्यादातर बैन में रहता है, और लो लिक्विडिटी मतलब ज़्यादातर के ये PSU शेयर्स, ठीक है। हमें करना किस में, हमें ज़्यादातर मिड कैप निफ्टी के शेयर्स में करना है, स्मॉल कैप में नहीं करना, हमें मिड कैप निफ्टी के शेयर्स स्टॉक्स कंपनी में करना है। अब देखो ना इस चीज़ों को आप करोगे कैसे, तो ग्लोबल मार्केट के बारे में आपको पता होना चाहिए, आप सेक्टर वाइज न्यूज़ पे कॉन्टैक्ट रखो, तो अगर आप अच्छे से कनेक्ट रहोगे तो आप जो है स्टॉक ऑप्शंस में ट्रेडिंग अच्छे से कर सकते हो। अगर आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, और इस पे अगर आपका पसंद आपका इंटरेस्ट होता है तो मैं स्टॉक ऑप्शंस में और भी गहराई से नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। ये मेरा बस आप लोगों को एक अवेयर करना था कि स्टॉक ऑप्शंस में भी आप ट्रेडिंग करो, बस कुछ इस तरह की चीज़ों को आप अच्छे से याद रखो, ध्यान रखो। आई होप आपको अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू, जय हिंद।